अगर वेटिंग ना होती तो आप कौन सी प्रेफर करते हैं, i10 या टियागो? दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ इसका सीएनजी मोड और इसको पेट्रोल पे चलाते हैं। तो आप 6 फीट के भी हैं तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, ये सीएनजी की सभी गाड़ियां ज्यादातर आपने देखो सब मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी इसमें नहीं आती है। उसके पीछे 2 रीजन मुझे नजर आते हैं। तो दोस्तों कोई भी आम आदमी जब कोई एक हैचबैक या कोई भी ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जो माइलेज एफिशिएंट हो, माइलेज ज्यादा दे, तो उसके दिमाग में आता है कि हम सीएनजी कार ले लेते हैं। अब सीएनजी कार जब हम लेने के लिए निकलते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो सामने हमें आते हैं, हमारे सामने आते हैं। जैसे कि आपको उसमें एक वेरिएशन नहीं मिल पाता, वेरिएंट नहीं मिल पाते, बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिल पाते, लिमिटेड ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं कि ये मॉडल है सीएनजी में, ये आता है बस। लेकिन इस ड्रॉबैक को दूर किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है टाटा ने टियागो का सीएनजी अवतार उतार के, जिसमें आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं और उसमें सब में आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही गाड़ी आज आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, ये है टियागो का XM मॉडल और इसका आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। ओनरशिप जो एक्सपीरियंस है, गाड़ी के जो ओनर हैं वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, वो इसके प्लस माइनस जो भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको हम आपके सामने शेयर करेंगे। साथ ही इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है वो सब हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन साथ में दबा लीजिएगा जिससे कि इसी तरह के आने वाले वीडियोस वो आप देख पाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने से पहले कुछ ग्लिम्स इसके आपको दिखा देता हूँ। साथ ही हमारे चैनल में आए हैं इस गाड़ी के ओनर वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आज आप बताएंगे कि ये गाड़ी आप करीब 1 साल से चला रहे हैं, एक साल से ये गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको इसमें क्या अच्छाइयां, क्या प्लस माइनस और क्या अच्छा इसमें लगा आपको, वो सब आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। दोस्तों इसका एक बार ग्लिम्स हम ले लेते हैं और एक बार पूरा इसका ओवर व्यू मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, बाहर से एक्सटीरियर भी दिखा देता हूँ गाड़ी आपको देखने में कैसी लगती है। तो दोस्तों ये है XM मॉडल, आप आगे से देख सकते हैं हेलोजन हेडलैम्प इसमें आपको मिल जाती है। इसके टॉप मॉडल्स में आप जाएंगे तो प्रोजेक्टर मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर मिल जाती है, और साथ ही फॉग लैंप भी उसमें LED आपको मिलती है, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलते हैं। और इसमें 14 इंच का आपको टायर मिल जाता है जिसका प्रोफाइल है 175/65। 14 इंच का इसमें आपको टायर मिल जाता है, क्लियर आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसी मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट मिलता है, और ये जो चीज़ें हैं सब एसेसरीज में इन्होंने टाटा शोरूम से ही फिट कराई हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये ICNG, जो CNG को नाम देता है टाटा, वो ICNG के नाम से देता है, वो उसका बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ टाटा का लोगो और ये टियागो का बैजिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और पीछे से थोड़ा सा आप लुक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आपको देखने में लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएनजी का ये टैंक इसमें लगा हुआ है, जिसमें कि करीब करीब 15 से 20 किलो सीएनजी आती होगी, कितनी दस, आती है? दस आती है 10 केजी सीएनजी आती है, और 30 लीटर का इसका फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आप यहां पर कुछ सामान रख सकते हैं, बाकी और कोई स्पेस नहीं मिलता। यहाँ आपको स्पेयर व्हील इसमें नीचे रखा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वीरेंद्र जी मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि ये गाड़ी जब आपने ली थी करीब 1 साल पहले आपने ये गाड़ी ली थी, तो उस दौरान कौन कौन सी गाड़ियां और आपने देखी थी इस गाड़ी को लेने से पहले? i10 वगैरह देखी थी, i10 देखी थी हुंडई की, और हुंडई की i10 ही देखी थी, स्विफ्ट वगैरह देखी थी, स्विफ्ट देखी थी। तो आपने टियागो ही क्यों ली? टियागो एक तो ये थी कि सीएनजी में तभी आई थी। अच्छा, टियागो सीएनजी में तभी आई थी, तभी आई थी। पहले तो पंच का प्लान था, अच्छा वो बुक भी करी थी, अब उसमें वेटिंग काफी टाइम लगा तो इस वजह से फिर ये आ गई, तो फिर ये चॉइस कर ली। ये गाड़ी आपने ली और आपने स्विफ्ट और i10 भी देखी और पंच आपको मिल नहीं पाई? हाँ, बुकिंग करी थी, वो वेटिंग उसमें ज्यादा थी, इसलिए आपने फिर ये सीएनजी में ये गाड़ी ले ली। तो i10 में i10 तो आपको मिल रही होगी उस वक्त? नहीं, उसमें भी वेटिंग चल रहा था, उसमें भी वेटिंग चल रही थी। तो अगर वेटिंग ना होती तो आप कौन सी प्रेफर करते, i10 या टियागो?
अब टियागो से थी वो, इसकी प्राइस वगैरह थोड़ा ज्यादा थी। और आई टेन की प्राइस कितना पड़ रही थी उस वक्त? प्राइस वो करीब 8.5 की करीब पड़ रही थी, 8.5 लाख रुपए पड़ रही थी। और ये आपको 7.5 लाख रुपए में, हाँ ये 7.25 की पड़ गई, 7.25 लाख में आफ्टर डिस्काउंट आपको जी, जी, डीलर की तरफ से डिस्काउंट अगर मिलाए तो 7.25 लाख रुपए में आपके। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है अगर इसमें देखा जाए तो। इसमें अब जैसे कि आई टेन के अलावा कोई और गाड़ी आपने नहीं देखी? जी नहीं। अब अगर बात करें कि इसमें आपको 1 साल हो गया चलाते हुए, तो अच्छा क्या लगता है? कंफर्टेबल है, मतलब पूरी तरह से फुल्ली सेटिस्फाइड है आप इस गाड़ी से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। क्या इसमें ऐसा अच्छा लगता है आपको? कंफर्टेबल है चलाने में, और कोई वो भी नहीं है। पहले मैंने चलाई थी इसकी, डीजल मॉडल था, पांजे की गाड़ी थी, मथुरा तक चलाई थी वो, तो उसमें काफी कंफर्टेबल वो लगा स्टीयरिंग वगैरह। अच्छा, तो मैंने जब से प्लान किया मैं टियागो ही ले लिया। अच्छा, तभी से आपने प्लान कर लिया कि गाड़ी लेनी है तो टियागो ही लेनी है। अब ये प्लस पॉइंट ये आ गया कि ये सीएनजी में भी आ गई। तो कितना माइलेज आप निकाल पाते हैं इससे? एसी पे ये 25 का करीब निकालती है, और बिना एसी 32 के करीब दे देती है। अच्छा, बिना एसी 32 का एवरेज आप इससे निकाल पाते हैं? जी जी। और अगर आप एसी चलाते हैं तो 25 का एवरेज आप इससे निकाल पाते हैं जी। तो दोस्तों माइलेज अगर देखें तो बहुत अच्छा माइलेज है, और माइलेज के लिए लाइक इस पे बनता है। और इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट आपको क्या कमी क्या लगती है कि अगर इसमें, या आपके दिमाग में मन में कुछ ऐसा हो कि अगर मैं इसमें और कुछ पैसे ऐड कर लेता, 50,000-1 लाख रुपए, तो मुझे और अच्छी गाड़ी मिल जाती, कोई ऐसा कोई ऐसी बात आपके दिमाग में अभी इस वक्त है? इसी वक्त तो नहीं है, अभी कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी ज्यादा, और ज्यादा मैंने चलाई भी नहीं अभी ज्यादा, 7-8 हजार किलोमीटर चली है। 7-8 हजार किलोमीटर आप चला चुके हैं जी, तो गाड़ी से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वीरेन जी, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आपने आई टेन भी देखी थी इसको लेने से पहले, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर वो गाड़ी सस्ती मिलती आपको या इसी प्राइस में मिलती आपको, तो आप वो लेते या ये वाली गाड़ी लेते, और क्यों लेते अगर ये लेते तो? इसमें ये है सर कि इसमें सेफ्टी फीचर ज्यादा है, और सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी भी इसकी उसके मुकाबले काफी अच्छी है। मतलब मेन रीजन जो आपका इस पे जाने का था वो ये था कि आपको बिल्ड क्वालिटी इसमें अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेफ्टी रेटिंग, 4 सेफ्टी रेटिंग है इसमें, जी, 4 सेफ्टी रेटिंग मिल रही है जो और गाड़ियों में आपको नहीं मिल पा रही थी। और कॉस्ट वाइज तो ये कम थी जी, तो जब सारी चीजें आपको मिल रही थी तो इसलिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। दोस्तों आपके पास कोई भी गाड़ी है, कितनी भी पुरानी है या नई गाड़ी है, आप उसका एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपका वीडियो आएगा आपके साथ, और हम आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे व्यूअर्स के साथ। तो आप हमें अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर लिखी मेल आईडी पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अब वो ले लेते हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, और गाड़ी चलने में कैसी है, क्या इसका रेस्पॉन्स है। और देखिए, सबसे पहले मैंने इसका एसी ऑन किया तो एसी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी कूलिंग ये हमें देता है। तो दोस्तों अगर देखिए कोई बंदा ज़्यादा हाइट का है, 6 फिट का बंदा है कोई, अगर वो गाड़ी को ड्राइव करता है तो पीछे वाले बंदे को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें आप स्पेस देख रहे हैं, पीछे काफ़ी स्पेस इसमें बचा हुआ है, और हेडरूम की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 फिट के भी हैं तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो अक्सर लंबे लोग होते हैं वो देखते हैं कि गाड़ी में कितना स्पेस बच रहा है, क्या हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन इसमें थोड़ा सा आपको हार्ड मिलने वाला है, और आपको जो गड्ढे वाले रोड होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसमें अगर शॉकर थोड़े से और सॉफ्ट होते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ा मैटर नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट स्टीयरिंग इसमें आपको मिलता है, देखिए बहुत आसानी से मुड़ता है, लेकिन जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं गाड़ी, तेज स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं तो स्टीयरिंग ना खुद से ही थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जो होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब तेज स्पीड पे चलते हैं और जरा सा भी आपने स्टीयरिंग अगर आपका मूव करता है तो गाड़ी बहुत ज्यादा एक तरफ भागती है, इसलिए ये थोड़ा सा हाई स्पीड पर टाइट हो जाना चाहिए, और होना सभी गाड़ियों में ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसमें भी आपको कुछ इसी तरह से मिलती है। तो वीरेन जी, जब आप पीछे इसमें गाड़ी में बैठते हैं तो क्या कंफर्ट आपको लगता है, कैसा कंफर्टेबल महसूस होती है? काफी कंफर्टेबल है।
काफी कंफर्टेबल आपको महसूस, कोई वाइब्रेशंस गाड़ी में? नहीं नहीं कुछ नहीं, किसी भी कैसे भी वाइब्रेशन आपको नहीं लगते हैं। जी जी। तो थाई स्पेस की अगर देखे तो यहाँ पर कितना स्पेस आपके बसता है? थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन हैचबैक के हिसाब से इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि स्पेस की फिर दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ इसका सीएनजी मोड और इसको पेट्रोल पे चलाते हैं। पेट्रोल पे थोड़ा सा फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसकी जो पावर है, जो पिकअप है, उसमें फर्क आप महसूस कर सकते हैं अगर आप गाड़ियां चलाते रहते हैं। लेकिन कोई अगर बिगिनर है वो शायद इसमें फर्क महसूस नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इस गाड़ी का जो माइलेज है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, वो बहुत अच्छा है और जिस पर्पस के लिए एक आम आदमी गाड़ी लेता है वो पर्पस पूरी तरह से सॉल्व यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो आपके वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग इसमें मिल जाते हैं, 5 वेरिएंट मिलते हैं इसमें, XE, XM, XZ, XT, तो ये सारे, XZ प्लस ड्यूअल टोन में भी ये मिल जाती है। तो ये सारे जो वेरिएंट हैं इसमें आप चूज कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपको CNG में लेनी है। तो दोस्तों बात करें, ये CNG की सभी गाड़ियाँ ज़्यादातर आपने देखो सब मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी इसमें नहीं आती है। उसके पीछे दो रीज़न मुझे नज़र आते हैं कि एक तो ऑलरेडी CNG की जो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं पेट्रोल के मुकाबले, तो एक तो कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े इसलिए इसमें मैनुअल ही आता है, और दूसरा इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी आपको इसमें कम मिलती है CNG में, मैनुअल के मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले। तो अगर हम ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक कर देंगे तो पावर आपकी और कम हो सकती है, और कम हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से कंपनियां ऑटोमेटिक वर्जन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CNG वर्जन में नहीं देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉटल वगैरह स्पेस यहाँ पे दिया होता है बॉटल के लिए, वो आपको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहने वाली है क्योंकि आप यहाँ से भी देखेंगे तो वो थोड़ा अंदर की तरफ इसमें घुसा हुआ है और स्पेस पूरी तरह से इसमें नहीं मिल पाता है। यहाँ से भी अगर मुझे कोई सामान या बॉटल रखनी है तो अपने पैर को एडजस्ट करके तब मुझे अंदर से सामान रखना या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस का कंस्ट्रेंट यहाँ मिल जाता है आपको, और ये स्पेस यहाँ पे अच्छा दिया है, यहाँ पे आप कोई भी अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर ये बॉटल स्पेस यहाँ अच्छा मिल जाता है, यानी यहाँ पर स्पेस अच्छा मिलता है। लेकिन विंडो पे जो स्पेस है यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ये आपको बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों गाड़ी आपको कैसी लगी? मैंने इसका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है, राइडिंग एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए अभी और बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आने वाले इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।